ठीक है जी। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज लेट कमर्स। हाँ ऑब्वियसली वी गॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, लाइक की बात है तो लेट हो ही जाते हैं ना हम लोग। ठीक है, इसको इस तरह से मैं जवाब दे सकती हूँ कि हमें बहुत दुनिया जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा जी, कल जो है हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अकाउंटिंग जो है वो पार्टनरशिप की जो बेसिक अकाउंटिंग है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, अच्छा, और मैंने आप लोगों को कल ये भी इस बात का भी आइडिया दे दिया है कि आपका जो पूरा अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल बाकी चीजें तो सारी सेम है, वही चीज है सारी जो कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पढ़ चुके होते हो अपने इंट्रो के लेवल पे। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, और जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, वो हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उसमें भी वो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो हल्का थोड़ी बहुत डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, और जो अकाउंटिंग है पार्टनरशिप की वो किस तरह से डिफरेंट है सोल ट्रेडर से। बाकी सारी चीजें बिल्कुल वही है जो आपको सोल ट्रेडर में आप या किसी भी कंपनी के लिए आप जो काम कर रहे होते हो, राइट। फिक्स एसेट्स किटी अकाउंट वैसे ही मेंटेन हो रहे होते हैं, कैश का वैसे ही, बैंक का वैसे ही, सो ऑन एंड सो फॉर। जो डिफरेंस है मेजर वो आता है इक्विटी से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं आए, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग, अभी हम टी अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम उसका इक्विटी या कैपिटल की बात करते हैं तो मेजर डिफरेंस इसी में ही है। रीजन इसका क्या है कि सोल ट्रेडर में आपके पास एक ही ओनर था और अभी आपके पास कितने हैं, एक से ज्यादा हैं। तो नेचुरली सी बात है थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, राइट। अब डिफरेंस क्या है, अब इसमें आपके पास दो तरीके होते हैं इक्विटी को शो करने के, अकाउंट फॉर करने के, यानी कि टी अकाउंट बनाना। उसके आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला आपके पास है, पहले हम देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया पहला। अच्छा अरसलान, बाकी सबको तो कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ठीक, अच्छा थैंक यू सर। अच्छा जी, तो आपके पास पहला जो भी हम लोग देख रहे हैं वो है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक, डिस्टोर्शन जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में, अच्छा फिक्स कैपिटल अकाउंट में होता क्या है, देखिए अब एक चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक वो है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पार्टनरशिप है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है, ये कौन है, ये दोनों आपके पार्टनर्स हैं। तो जब इन्होंने बिजनेस सेटअप किया होगा, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो इन्होंने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, राइट। एक काम तो ये हो गया, कैपिटल इन अदर वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैसा जिससे पार्टनर्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को सेटअप किया ताकि वो रन हो सके, ठीक है। ये तो हो गई जी पहले दिन की बात कि पहले दिन बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और उससे उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। फिर हम बात करते हैं पूरा साल गुजर गया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर आपका गुजर गया और आपने क्या किया, प्रॉफिट डिस्टोर्शन होगी। पूरा साल आपका गुजर गया तो होता क्या है, आपका प्रॉफिट, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, सारे अपने ऑपरेशंस किए, एक्टिविटीज की, पार्टनर्स को सैलरीज मिली। अब ये जो सारी चीजें हैं यानी कि पार्टनर की बाकी सारी जो अब एंटाइटलमेंट है ये क्या है, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हम क्या करते हैं, आप इस चीज को देखें, मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ, सब्सिक्वेंट जो पार्टनर को चीजें मिलनी है वो कौन कौन सी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पार्टनर की, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट,
ये सारे हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर्स, यानी के पार्टनर्स, यानी कि हम इसमें हम बात कर रहे हैं किस चीज की, वो ट्रांजैक्शंस, वो लेन देन जो के पार्टनर्स और बिजनेस के बीच में हुआ। तो पहला ट्रांजैक्शन तो ये हुआ कि आपके पार्टनर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, और फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उन लोगों को सैलरीज मिल रही है, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, और पार्टनर से हम चार्ज क्या कर रहे हैं एज अ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। ये वो सारी ट्रांजैक्शंस हो गई जो कि आपका बिजनेस और पार्टनर के बीच में होता है। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में क्या कर देते हैं ये लोग, हम अकाउंटिंग इस तरह से करते हैं कि हमने एक टी अकाउंट बनाया जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमने इस टी अकाउंट को फिक्स कर दिया कि इसके अंदर, इस टी अकाउंट में पार्टनर्स की सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही आएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद सही है, अब थोड़ी क्लियर है आवाज, डिस्टोर्शन खत्म हुई। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हम क्या करते हैं, एक टी अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमने किया क्या है, अब आप चाहें तो आप दो टी अकाउंट खोल दें, एक मिस्टर ए का, एक मिस्टर बी का, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही टी अकाउंट खोलते हैं और हम उसके दो कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये बात का ख्याल रखना है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों की जो चीजें, ट्रांजेक्शन है, वो अलग अलग रिकॉर्ड होंगी। हम ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल अगर तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स को बस एक ही कॉलम ने हमने अकाउंट फॉर कर दिया, हमें अलग अलग पता ही नहीं है कि मिस्टर ए का कितना हिसाब है, मिस्टर बी का कितना हिसाब है, ठीक है। तो आपको कॉलम्स तो इसके अलग अलग रखने हैं, और आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने डेडिकेट कर देना है पूरा का पूरा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बस आप ये कहेंगे कि अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई चीज ऐड नहीं होगी, ठीक है। एक विद द एक्सेप्शन ऑफ जस्ट वन ड्रॉइंग, जिसकी मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अब ये कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स टू व्हाट एक्सटेंट, फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो हमने चीजें पढ़ी हैं कि भाई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी होता है, शेयर ऑफ लॉस भी हो सकता है, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज होंगी, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। और इसका नॉर्मली बैलेंस ब्रॉट डाउन कभी भी डेबिट साइड पे नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है कि हमने इस फिक्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स किया हुआ है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और कोई और चीज तो हम इसमें लेके नहीं जा रहे इस टी अकाउंट के अंदर। और आपको ये पता है कि कैपिटल का ओवरऑल नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट। तो आपके पास ये काम होगा, ठीक है, कि बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे नजर आएगा और बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड पे नजर आएगा। अब हम बात ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की बात करें कि भाई ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, तो इसके अंदर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि बिल्कुल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर है वो भी आपने कैपिटल अकाउंट में ही लेके जाना है। कहा मैंने बिल्कुल ये बात थी कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कोई पार्टनर कैश या कोई इन्वेंट्री या कोई फिक्स्ड एसेट लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो वो हम कैपिटल अकाउंट में जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा इसको एक लाइन जरा छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि अभी हमने ड्रॉइंग्स की बात करनी है, सही है। तो एट अ मिनिमम किसी भी सवाल में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन तो
लिखना ही होगा, ठीक है, अगर बनाने को आ जाए कैपिटल अकाउंट। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको बताया हो, हर सिनेरियो में बताया हो कि भाई कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर कोई था या नहीं था। नॉर्मली इतना नहीं होता, राइट, हो भी सकता है। तो अगर आ जाए आपने वो तो कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। और यहाँ पे आप जरा एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, ऊपर डेबिट साइड पे। इसके ऊपर अभी हम आते हैं, ड्रॉइंग्स के ऊपर हम आते हैं अभी। फॉर्मेट बल्कि अच्छा है, अभी कॉपी ना करें। मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद थोड़ा टाइम दूंगी कॉपी करने के लिए, सही है। अब सवाल ये आ जाता है कि जब हमने कैपिटल अकाउंट को के अंदर लिमिटेड चीजें लेके जानी है, तो फिर बाकी जो सारा सारी चीजें आ गई, ट्रांजेक्शन विद द ओनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी ट्रांजेक्शन विद द ओनर है, राइट, ट्रांजेक्शन विद द पार्टनर्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रांजेक्शन विद द पार्टनर्स है। तो हमने तो कैफ वन में, इंट्रो में और ए लेवल्स में और इंटर में ये पढ़ा हुआ है कि आपके जितनी भी ट्रांजेक्शन हो ओनर्स के साथ, उनको आपने दो टी अकाउंट में लेके जाना होता है एटमोस्ट, कैपिटल अकाउंट में या ड्रॉइंग अकाउंट में। तो जब हमने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर दिया, उसके अंदर से हमने बाकी चीजों को रूल आउट कर दिया, तो फिर हम बाकी चीजें कहाँ पे लेके जाएंगे? तो उसका जवाब ये है कि फिर हम एक और टी अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी। अब यहां पे हम जितनी भी बची कुची चीजें थी हम उनको यहां पे ले जाएंगे, और इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पार्टनरशिप में ड्रॉइंग्स के नाम का कोई टी अकाउंट नहीं होगा। ड्रॉइंग्स को भी हमने इधर ही इन्हीं दो अकाउंट में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो नंबर वन, ड्रॉइंग्स अकाउंट कोई भी नहीं बनाना, ड्रॉइंग्स को हमने इन्हीं दो इक्विटी के अकाउंट में एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं शो करना है। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो पहला आपका मेथड है, पहला तरीका है अकाउंटिंग का, उसके अंदर आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर देना है। इसका बैलेंस हो सकता है फ्लक्चुएट ना करे ईयर ऑन ईयर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैं पार्टनर हूं और मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मेरा क्या होगा, ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन सेम रहेगा, ठीक है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जब हम बात करते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आपके पास बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। और अब सिर्फ नोट कर लें ये बात, इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यानी कि एक पार्टनर का हो सकता है डेबिट हो, दूसरे पार्टनर का क्रेडिट हो। एक ही पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस दे आर नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। या एक पार्टनर का या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, लेकिन ये बात जरूर हो सकती है कि दोनों पार्टनर्स के, सारे पार्टनर्स की डेबिट बैलेंसेज हो, सारे पार्टनर्स की क्रेडिट बैलेंसेज हो, या किसी का क्रेडिट हो किसी का डेबिट हो, ठीक है। ये बात क्यों है, ये आके जाके इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। फिर आपके पास क्या, आपके पास क्या आता है, बाकी चीजें आती हैं जो हमने कल थोड़ी टच की थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम सोच के बताएं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल एंट्री क्या होनी चाहिए। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। कल हमने इतनी बात देख ली थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, टू इनकरेज मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है, पार्टनर्स को कैपिटल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। ये किसका एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। इनकम किसकी है, पार्टनर की है। तो खैर अभी हम पार्टनर की पर्सनल इनकम के बारे में तो अकाउंटिंग नहीं कर रहे, राइट, हम तो पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम देख रहे हैं। तो जरा मुझे बात बताएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अभी बता दें। मुझे पता है क्या जवाब आएंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह रेक्टिफाई करवा दूंगी जी। डबल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस के केस में क्या होता है जी, अरसलान, हमीदुल्ला, जवाब, नसीर, शमाइला, उसामा, दरियाब। तो डेबिट एंड क्रेडिट, कैश और बैंक। अच्छा, एक हमारे पास जवाब ये आया है कि आपने जी एक्सपेंस, या मैं इसको ये कह सकती हूँ SOCI या PNL डेबिट, ठीक है, इसको मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि क्रेडिट क्या करना है, कैश या पेबल, कैश बैंक या पेबल, ठीक है।
सही है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो ठीक है ना, कि ठीक है कुछ डेबिट ये होगा और क्रेडिट ये होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है। अब पार्टनरशिप में हम इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये क्या है? ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस, और ये थोड़ा स्पेशल सिनेरियो है, राइट? ओनर और बिजनेस के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हो। अब आपने इस चीज को नोट कर लेना, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ पे डबल एंट्री बनाते हुए कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करने के बजाय पार्टनर्स करंट अकाउंट और चलान, क्योंकि अभी हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता है कि एक्सपेंस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या SOCI जो है वो आपका क्या होता है? डेबिट होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पार्टनरशिप में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या SOCI को डेबिट नहीं करना, आपने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था कल सरसरी सा कि ये एक और स्टेटमेंट अब हम पढ़ेंगे एडिशनल, SOCI के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ एक और स्टेटमेंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, अब क्रेडिट क्या होगा? कैश अगर पे हो गया है या पेबल। ये बात याद रखें, नॉर्मली बल्कि इनफैक्ट ये किस्म का रूल है कि पार्टनर को किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं होगी विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्रॉइंग। क्या मतलब हुआ उसका? पार्टनर जो है वो किसी भी तरीके से कैश नहीं ले सकता बिजनेस से सिवाय ड्रॉइंग्स के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको अगर कुछ इंटरेस्ट मिल भी रहा है तो वो उसको डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 10 रुपए। हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने उसको डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर दिया? कैश। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हमेशा इसको याद रखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी अ पेएबल सिचुएशन, अक्रूड सिचुएशन होगी हमेशा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने सीधा सीधा जाके 10 रुपए पार्टनर के हाथ में रख देने, ठीक है? चलें जी, कैश या बैंक का तो सिचुएशन यहाँ पे है ही नहीं, बात करते हैं हम पेएबल की। अब जरा वापस इधर आ जाएं इंट्रो की टीचिंग पे। कैपिटल अकाउंट जो हमारा होता है, या इक्विटी अकाउंट इन अदर वर्ड्स, अगर हम ऐसे सोल ट्रेडर की बात करूं, कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट? ये क्या चीज है? ये वो बताता है ना जो बिजनेस ने ओनर को देने हैं पैसे। ओनर को वो क्या करता है बिजनेस? वो होता है कैपिटल अकाउंट। जाहिर सी बात है, अब हम क्या बात करते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी, हाँ पढ़ा, हमने ये देखा कि बिजनेस एक अलग बीइंग है, एक अलग एंटिटी है और ओनर अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहते तो हम उसको कैपिटल है, लेकिन इन अदर वर्ड्स, एग्जैक्टली इन अदर वर्ड्स क्या हो रहा है? एक इंसान अपने ही बिजनेस को लोन दे रहा है, और वह इंसान कौन है? वो उस बिजनेस का ओनर है। तो हम क्या कहते हैं कि इसको कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो इन अदर वर्ड्स कैपिटल अकाउंट भी बेसिकली क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट है, लेकिन नॉट टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, टुवर्ड्स द ओनर, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इधर। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में, इसके अंदर तो हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, सिवाय अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो और एक और सिनेरियो के, जो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट? तो इसका मतलब ये कि हम कैपिटल अकाउंट को अब नहीं कर सकते, छेड़ सकते, राइट? तो अब हमने क्या करना है फिर? क्रेडिट किसको करना है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, ठीक है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। हमने ये कहना है कि ये लाइबिलिटी है, लेकिन ये लाइबिलिटी किसके लिए है? टुवर्ड्स दी ओनर ऑफ द बिजनेस, टुवर्ड्स द पार्टनर। तो हमने उस स्पेसिफिक पार्टनर के करंट अकाउंट को कर देना है क्रेडिट। क्लियर है बात जी? सब ओके करते जाएं, क्लियर हो गई ये बात?
ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है बिजनेस को, अभी तक उसने पे नहीं किया, ठीक है, और हमेशा इसी तरह से होगा, तो हमने क्या क्रेडिट करना है, लायबिलिटी को हमने क्रेडिट करना है, और कौन से लायबिलिटी अकाउंट को, पार्टनर्स की लायबिलिटी अकाउंट को, कैपिटल को हम छेड़ नहीं सकते इस सिनारियों में, तो हमें किसको हिट करना पड़ेगा, करंट अकाउंट को, ठीक है जी। ये बात तो हमारी हो गई क्लियर, इसको हम अपने फॉर्मेट में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम लोग इन पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं सैलरी की, पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को जो है वो सैलरी की इंटाइटलमेंट है, अब बताएं ये भी क्या है, ये भी ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस है, इसको भी किस में जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन अभी हम किस मेथड में खड़े हुए, हम लोग खड़े हुए फिक्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट को हम नहीं छेड़ सकते, तो फिर हमें अभी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट तो करना पड़ेगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, डेबिट किसको करेंगे, डेबिट भी हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देखेंगे आगे जाके जब इसका फॉर्मेट देखेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी वो ट्रांजैक्शंस आएंगी, अप्रोप्रिएशन का मैंने आपको मतलब बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वो सारी चीजें आएंगी जो कि ओनर और बिजनेस के दरमियान है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। फर्क देखो ओवरऑल नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं, उस पर नहीं कोई फर्क पड़ेगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा उसके उसका आंसर वही वही आएगा जो आप भले उसको पीएनएल अकाउंट में भी अगर ले जाए तो, राइट, लेकिन इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन हमें इस तरह से करनी है कि इसको हमें ये दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, पार्टनर सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का, राइट, बिजनेस को पे करना है वो पार्टनर को, तो हमने क्या करना है, उसको डेबिट करके पार्टनर्स के ही करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस सिचुएशन में भी कभी भी सैलरी जो है पार्टनर की, पार्टनर के हाथ में आप इन कैश कभी भी नहीं देंगे डायरेक्टली, ठीक है, अगर पार्टनर को कैश चाहिए बिल्कुल जाएगा जब आज उसको देखते हैं, अभी करंट अकाउंट भी क्या है बेसिकली, इन अदर वर्ड्स कैपिटल अकाउंट का ही छोटा भाई है, कैपिटल अकाउंट पार्ट टू है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं, वो एसओएसपी में बिल्कुल जाएगा, इक्विटी का पार्ट बनेगा वो, ठीक है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि हमने तीनों को बस अलग अलग रखा हुआ है, मिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ये भी आपका क्रेडिट होगा, ये बात याद रखें, इन नो केस विल कैश बी क्रेडिटेड इन दीज सिनेरियोस, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और हमारे पास लाइबिलिटी आ गई जो हमने पार्टनर को पे करनी है सैलरी के नाम से, वो हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्रेडिट पे दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे आप लोग जवाब देंगे इस चीज का, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द ओनर, ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल वही काम होगा, ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, बिल्कुल ये प्रॉफिट बिलोंग करता है किसको, ओनर्स को, ओनर्स का पैसा है ये, ओनर बिजनेस इज लायबल टू पे दिस मनी टू दी ओनर, लेकिन वो किस तरह से, वो फौरन से उसको इमीडिएटली कैश में उसको पे नहीं करेगा, यानी कि हमने अगेन ओनर के लायबिलिटी के जो अकाउंट है टुवर्ड्स दी ओनर उसको हमने कर देना है क्रेडिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपका क्रेडिट होगा। तो मैं जरा जल्दी से कर लेती हूँ, टाइम बहुत लग रहा है, अगर खुदा ना खास्ता किसी सिनेरियो में बिजनेस का एक साल में कोई लॉस हो जाता है, तो अब जाहिर सी बात है जिस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी तरह से लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन लॉस अब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, लॉस हो गया ना बिजनेस को, तो इन अदर वर्ड क्या करना है, इन अदर वर्ड आपने
जो बिजनेस जो पार्टनर्स के जो पार्टनर्स है उनसे आपने इनफैक्ट पैसा लेना है, इसको सरल समझ लें, एक किस्म का रिसीवेबल बुक कर लें। लेकिन किसमें बुक करेंगे? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपने अब अपनी कम कर देनी है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि लॉस हो गया बिजनेस को, इसको समझने के लिए इतना कर दें। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक साल में या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या तो शेयर ऑफ लॉस होगा। अगर तो वो प्रॉफिट है तो क्रेडिट, शेयर ऑफ लॉस है तो डेबिट। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी, ड्रॉइंग्स की। सोल ट्रेडर के केस में ड्रॉइंग्स को आप लोग क्या करते थे, ड्रॉइंग्स को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट कर दिया, राइट? लॉस की एंट्री यही होगी, करंट अकाउंट डेबिट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, ऑपोजिट। बिल्कुल, ये प्रॉफिट के लिए ये होगा, लॉस के लिए इसका ऑपोजिट। प्रॉफिट के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, और शेयर ऑफ लॉस के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, ड्रॉइंग्स की। अब ड्रॉइंग्स को नॉर्मली, ये नोट मत कीजिएगा, हम क्या करते थे, ड्रॉइंग्स को हमने डेबिट किया, किसको क्रेडिट करते थे? अब यहाँ पे एक्चुअल विड्रॉल ऑफ कैश है, यहाँ पे अभी एक्चुअल उसको कोई वो कुछ चीज घर लेके जा रहा है पार्टनर, राइट? कैश हो गया, हो सकता है कोई फिक्स्ड एसेट हो जो वो घर लेके जाए इंस्टेड ऑफ कैश, हो सकता है कोई इन्वेंट्री हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एसेट्स में से, वो हम कर देते थे क्रेडिट। अब इसमें मैंने आपको क्या बात बोली है, इस सिनेरियो में पार्टनरशिप के अंदर ड्रॉइंग्स का अकाउंट कोई अलग से नहीं होता, तो आप क्या करते हो, डेबिट अब किसको करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को। ठीक है, हम ये कहेंगे ना, हमारी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की लाइबिलिटी थी, हमने पे करना था वो पार्टनर्स को, पार्टनर्स ने 80 रुपीज विड्रॉ कर लिए बिजनेस में से, यानी कि अब हमारी लाइबिलिटी कम होकर कितनी हो गई है, सिर्फ 20 रुपए। तो हमने क्या करना है, लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर देना। ठीक है जी, क्लियर है बात ये? बस इसको इतना से याद रखें, पार्टनरशिप के अंदर ड्रॉइंग्स का अकाउंट कोई नहीं होगा, डेबिट करना है तो किसको करना है, करंट अकाउंट को। तो यहां पे हम इसके अंदर अच्छा यहां पे जरा लिख दे, ठीक है, ये अभी एक्सप्लेन करती हूं मैं इसको, जरा इसको कंप्लीट कर लें फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स लिख दे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज रह गई और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जरा इसका जरा मुझे सोच के बताएं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? अगेन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर। लेकिन अब इसमें क्या सिचुएशन है, अब इसमें आपका पार्टनरशिप बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है ना? हाँ जी, तो अब क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस अगर इनकम अर्न कर रहा है तो इसका मतलब है, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी इनकम क्या दिखाते हैं, क्रेडिट दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी हमने किसको हिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो पोर्शन है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हमने कर देना है क्रेडिट, क्योंकि इनकम है बिजनेस की तो इनकम है, और डेबिट किसको कर देंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। क्लियर है बात? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो आपने क्या किया, यहां पे ड्रॉइंग्स जहां पे आ रही हैं वहीं पे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी दिखा दिया। ठीक है, अब फिर वही वाला सिचुएशन है, आपके पास करंट अकाउंट में बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड पे भी हो सकता है किसी एक पार्टनर का, और किसी दूसरे पार्टनर का क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है। क्यों, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा ड्रॉइंग्स के ऊपर आ जाए ताकि हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाए। अब आपके पास जो ड्रॉइंग होती है ना, वो दो किस्मों की हो सकती है। आउट ऑफ प्रॉफिट, मैम आवाज नहीं आ रही। थोड़ा बहुत नेहा से समझ आ गया होगा, कैपिटल से अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो इसका क्या मतलब है, कि वो ये चाहता है कि बिजनेस के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए।
जो उसने शुरू में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बिजनेस उसने जो कैपिटल की मद में कैपिटल की एम्बिट में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो ये चाह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट उसकी थोड़ी कम हो जाए फॉर वट एवर रीजन. वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक है, तो अगर तो इंटेंशन ये है कि ये मैं विड्रॉ करना हूं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से, तो उसकी डबल एंट्री अब पास होगी कौन से अकाउंट के थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू. ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेबिट कैप करंट अकाउंट को करने के बजाय हम पार्टनर उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश बैंक या फिक्स्ड एसेट या इन्वेंट्री जिस भी फॉर्म में वो विड्रॉ कर रहा है उसको हमने क्रेडिट कर देना है. देखो अभी हमने क्या पढ़ा, मैं इसको पहले बता देती हूँ. ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि ड्रॉइंग्स अगर हम करते हैं तो नंबर वन ड्रॉइंग का अकाउंट तो कोई होगा नहीं. ठीक है, तो अभी हमने इसका क्या मतलब है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो किस्म के सी अकाउंट होते हैं जिनके साथ हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. तो अगर हम ड्रॉइंग्स का कोई टी अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे, हमें उन दोनों में से किसी एक अकाउंट के अंदर ड्रॉइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा फिर, राइट? क्योंकि हम ड्रॉइंग्स का अकाउंट तो डेबिट नहीं कर सकते. अच्छा, अब आपके पास अगर ड्रॉइंग पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है और उसका इंटेंशन ये है कि मैं अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करना चाह रहा हूं, तो उस केस में हमने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और कैश फिक्स्ड एसेट या इन्वेंटरी को करना है क्रेडिट. नियत क्या है कि मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है ना, मैंने वो कम करना है जो ओरिजिनल मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है. ठीक है, बात क्लियर है? सही है, इंटेंशन क्या है, क्या ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इंशाल्लाह, और मतलब क्वेश्चन में नॉर्मली अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि आउट ऑफ कैपिटल आपने ड्राइंग करनी है तो आपने ये डबल एंट्री पास की. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. अब ये भी उसका हक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ कि पार्टनर ए था, उसने 1,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी इस साल के शुरू में. ठीक है, अब ये पूरा एक साल गुजर गया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 500 रुपए का. मैं नए पेज पे कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए हैं जो कि आपके पार्टनर हैं, इन्होंने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था वो किया था 1,000 रुपए. ठीक है, पूरा साल गुजर गया, 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, जिसमें से मिस्टर ए और मिस्टर बी को इक्वली शेयर मिलना है 250-250. अब मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए का राइट है ड्रॉ करना, लेकिन अब वो पैसे कुछ निकालना चाह रहे हैं बिजनेस में से, उनको अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत है कैश. लेकिन वो ये उनकी नियत नहीं है कि मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, उनकी नियत ये है कि ठीक है देखें ये पैसे भी तो मेरे है ना. मिस्टर ए बोलेगा ये 1,000 रुपए भी मेरे हैं, ये 250 रुपीज भी अब मेरे हो गए, राइट? तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इन 250 रुपीज में से विड्रॉल करूं, कैश विड्रॉ करूं. फॉर एग्जाम्पल वो 150 रुपए विड्रॉ कर लेते हैं, तो अब ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. नियत की बात है, ठीक है, आपकी नियत की बात होती है. हो सकता है वो एक पार्टनर हो, वो नहीं चाह रहा कि भाई अब मैं इस बिजनेस में ज्यादा पैसा अपना जमा करके रखूं. हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि ये बिजनेस आगे जाके ठप हो जाना है, आगे जाके ये लॉसेस कमाना शुरू हो जाएगा, तो मैं पहले से ही क्या करूं अपना थोड़ा सा कैपिटल. अच्छा, अब क्लियर है बात? हाँ जी, आवाज क्लियर है? आप नहीं, अभी भी नहीं जी? बाकी सबको क्लियर आ रही है या सिर्फ अरसलान का मसला है? सामा आपको भी नहीं आ रही? अच्छा चले, गिव मी अ मिनट. मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है.
ड्राइंग कर रहे हो आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा आपके पास ड्राइंग किस किस्म का होता है कि एक पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट भी हुआ, तो वो जाहिर सी बात है उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश चाहिए, तो उसकी नियत ये नहीं है कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपना कम कर दे, वो चाह रहा है कि मेरा कैपिटल जो ओरिजिनल मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही रहे, लेकिन जो अभी मेरे पास ये एक किस्म का एक्स्ट्रा इसकी इसके पास आ गई ना चीज ये, तो अभी चाह रहा है कि ये जो है ये प्रॉफिट है बच्चे, लिखा हुआ आगे ये प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, तो अब वो ये चाह रहा है कि वो इसमें से अपना जो है वो विड्रॉइंग ड्रॉइंग करें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसके केस में आपने क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट को करना होता है डेबिट, और क्रेडिट आपका वही होगा कैश बैंक फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री व्हाटसोएवर, ठीक है जी, क्लियर है बात। अब सवाल ये आता है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि भाई ये ड्राइंग कौन सी है, आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, तो हमने क्या लेना है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। About the nature of the drawing, then assume it's out of profit, ठीक है, और अगर ये वाली बात है कि आका सिर्फ आपके पास लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग जितनी हुई तो आपने क्या करना है करंट अकाउंट को हिट करना है, तो हम ये अपना एक रूल बना लेते हैं कि अगर तो क्वेश्चन में खास मेंशन हुआ हुआ है कि ड्रॉइंग है आउट ऑफ कैपिटल, तो ही हमने कैपिटल अकाउंट को हिट करना है, वरना नॉर्मली हम किसको हिट करेंगे, अपने करंट अकाउंट को। तो मैं फॉर्मेट के अंदर इसीलिए मैंने आपके लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ कि यहाँ पे जो आपने एक लाइन छोड़ी होगी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन जी। अरसलान जवाद नसीर सरवर शमाइला उसामा क्लियर है, चलें जल्दी से ओके करते जाएं ताकि फिर आगे बढ़ूं, थोड़ा सा टाइम है, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैपिटल अकाउंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दूंगी होमवर्क के लिए, वो करना होगा जी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। अरसलान जवाद नसीर सरमद शुमाइला उसामा ठीक है, चले वेरी गुड। अच्छा तो अच्छा महद अस्सलाम वालेकुम, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, मैं ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्लास, ठीक है, तो ये आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट का पूरा अकाउंटिंग है। अब इसमें अगर आपने नोट किया हो, हमने अभी तक जो कल चीजें हमने पढ़ी थी उसमें एक और चीज थी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर, वो अभी तक हमने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया, तो ये बात याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल या करंट अकाउंट में कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे, लेकिन अब ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्मेट हैं ये फुल एंड फाइनल है, अब ये कंप्लीट है, इसमें अब और कोई चीज ऐड या लेस नहीं होगी। तो ये है बेसिकली क्या, ये पूरा मेथड ही क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है कि आपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर देना है, जब आज वो चेंजेस में हम पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक में हैं, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग में, वो तो फिर आगे पास बहुत सारी चीजें हैं, जहां तो फिर करंट अकाउंट तो बहुत ज्यादा चेंज होंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जब हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोई चेंजेस ना हो इन द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट बन गए, ठीक है,
क्लियर है बात। और इसमें रूल क्या है कि आपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स ही रखना है, अनलेस कि कोई एक वन ऑफ सिनेरियो हो जाए कि कैपिटल इन्वेस्ट करे कोई पार्टनर जिसके चांसेस बहुत रिमोट होते हैं, या कोई ड्रॉइंग हो जाए आउट ऑफ कैपिटल, ये भी बहुत कम ही इस तरह से आपको नजर आएगा। दूसरा जो आपके पास इसमें मेथड है वो क्या है? द सेकेंड मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अब इसमें कह रहे हैं अब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, बाकियों की भी नहीं आ रही? जिसको मैं अलग पेज पे कर देती हूँ। अच्छा, स्लो है चले वो, यहां से आज थोड़ा नेटवर्क का मसला है, इस वजह से इश्यू आ रहा होगा। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में बिल्कुल। अच्छा, FAR 2 का टाइम स्टार्ट हो गया अभी। जस्ट गिव मी 2 मोर मिनट्स, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना दूं, फिर उसके बाद यू कैन गो फॉर द क्लास। नसीर, आपने तो किया हुआ है, आप पहले। अच्छा नहीं, आप अगर आप इंट्रो अभी दिए आपने तो आपने किया होगा, लेकिन अगर नहीं की हुई तो फिर जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, फॉर्मेट पे जरा मैं बना दूं। इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब इसमें करना क्या है? अब इस मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही आपने अब सारी अकाउंटिंग करनी है। जितनी भी ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड बिजनेस है विद द एक्सेप्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सारा के सारा आपने कहां डंप कर देना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यानी कि इस केस में नो करंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अब आप कैसे कहते हैं कि अब हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आपने क्या क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आप इसमें लेके जाएंगे, ठीक है। पार्टनर की सैलरी अब आप कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। हर किस्म की ड्रॉइंग जो है वो अब आपने डेबिट करनी है किसमें? कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करनी है? डेबिट करनी है किसमें? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और क्या चीज रह गई? ठीक है, शेयर और प्रॉफिट, ये भी अब आपका कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। शेयर ऑफ लॉस, ये भी अब आपके पास किसमें जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये बात याद रखें, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, भले वो फिक्स हो भले वो फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है। तो इसमें आपका डेबिट बैलेंस की कोई सिचुएशन नहीं होगी। डेबिट बैलेंस सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में उसकी पॉसिबिलिटी है। और मैं यहां पे लिख देती हूँ नो करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है। क्लियर होगी बात? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने करंट अकाउंट को गायब कर देना है। करंट अकाउंट की सारी चीजें आपने कहां पे लेके जानी है? कैपिटल अकाउंट में। अरसलान, वैसे तो आपके पास क्वेश्चंस 10 और 15 पार्टनर्स के आएंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 पार्टनर्स होंगे, 4 पार्टनर्स होंगे। तो उसमें भी आप या तो टी अकाउंट फॉर्म में, अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन कराते हुए सिखा दूंगी वो भी, लेकिन नॉर्मली आपके पास पेपर में इतने ज्यादा पार्टनर्स आएंगे नहीं, ठीक है। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको, तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाने को आओ तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत मेसी हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग कैपिटल अकाउंट फीजिबल नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है। आप एक हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाने बैठ गए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। गलत नहीं है, लेकिन आपने वो पेपर भी तो देखना है ना, ठीक है। बात क्लियर होगी? जी, जवाब क्लियर है। अच्छा अरसलान, वैसे भी रियलिटी में तो ये हो रहा है कि आप एक्सेल वगैरह यूज करते हो, कंप्यूटर को यूज करते हो। नहीं जवाब, इतना भी नहीं है। असल में जो बिजनेसेस होते हैं वो तो आपके सारा कंप्यूटर पे सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो हाथ से थोड़ी बना रहे होते हैं, मतलब बुक्स में थोड़ी होता है। तो कंप्यूटर में तो बहुत आसान है,
उसमें तो आप भले जितने भी पार्टनर्स हो, शेयर होल्डर्स कितने होते हैं कंपनीज के, तो फिर उनके कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे, राइट? कंप्यूटर पे तो बड़ा आसान हो जाता है, ऑन पेपर मुश्किल होता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नो करंट अकाउंट, और सारे करंट अकाउंट वाली चीजें जहां पे करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, अब आपने क्या क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। जहां पे करंट अकाउंट डेबिट हो रहा था, वहां पे अब कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी ये बात याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन नाम की कोई चीज नहीं आएगी इधर, ये समझ में आ जाएगा आपको। करंट अकाउंट डेबिट क्यों हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है लिंग एंड लिंग, क्वेश्चन नंबर वन। ये मैं मिस मारिया से कह के, अच्छा अब आवाज आ रही है? ठीक, ये होमवर्क अपना नोट कर लें, लिंग एंड मिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, ये आपका होमवर्क है। और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट बनाने हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने आज नहीं किया, तो आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना। क्लियर है बात? आवाज आ गई है? ये अभी हम आपको भेजूंगी उसामा, आई विल सेंड दिस क्वेश्चन टू यू, अभी यू डोंट हैव इट, ये मेरे पास खुद मेरा अपना क्वेश्चन है। ठीक है, और जिन लोगों के पास इंट्रो की पैक की क्वेश्चन बैंक है, पुराने वाला, नया वाला तब तक पब्लिश नहीं हुआ, तो वो काइंडली अपनी कबर्ड में से, जहां पे कोने खुदरे में उसको फेंका हुआ था, वो जरा निकाल लें, उधर से हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल आपके पास वो होनी चाहिए। और अभी ठीक है, जिनके पास नहीं है वो टेंशन ना लें, मैं सॉफ्ट में, मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास सॉफ्ट में है वो, मैं आपको उसे शेयर कर लूंगी। चलें, आप जिनको जाना है FAR 2 की क्लास के लिए वो जा सकते हैं, अपनी ईमेल जरूर चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ईमेल आ जाएगी इसकी। ठीक है, चलें जी, कोई सवाल है तो पूछ लें, अभी तक वैसे मेरे हाथ से कोई क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी कर लिया सबने, ये बात समझ में आ गई, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा महद, आप काइंडली अगर आपके पास FAR 2 अभी नहीं है ऑनलाइन की, तो आप काइंडली थोड़ी देर रुक जाएं, ये वाला जरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। जी महद, लास्ट अकाउंट समझ नहीं आया? कौन सा समझ नहीं आया? कैपिटल अकाउंट समझ में नहीं आया, ये वाला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा ठीक है, सही है, अभी समझा लेते हैं इसको। फ्लक्चुएटिंग देखें, फिक्स कैपिटल, ये देखें, ये दो ऑप्शंस है आपके पास, है ना? ऑप्शन नंबर वन क्या है कि आप अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखो। अच्छा चलें ठीक है, अगर क्लियर नहीं है आवाज तो फिर ठीक है, ये तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा जी। चलें इसको फिर एक काम करते हैं, कल ही टैकल करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 2 बजे से पहले आप लोगों में से किसी की क्लास होती है? नहीं होती? किसी, चले मैं ग्रुप पे भी बात कर लेती हूँ कि अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले शुरू कर दूँ इसको। हम इंशाल्लाह कल 2 बजे, इंशाल्लाह मैं आई विल बी हेयर, इंशाल्लाह कल तो मैं यहीं पे होंगी, तो इंशाल्लाह 2 बजे हम डॉट ये क्लास स्टार्ट करेंगे। हमें बेसिक पार्टनरशिप कल खत्म करनी है, ताकि हम सैटरडे को चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर शुरू कर दें। ठीक है, और ताकि फिर हम टाइम पे खत्म भी कर लें। ठीक है, तो इसको खत्म कर लेते हैं, आप लोग ने अपना होमवर्क करना है। अच्छा, जो मैं आप लोगों को फाइल भेज रही हूँ, जिनको आइडिया है चीजों का, पहले से पार्टनरशिप उनको पता है, वो इसका जरा सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें। सोल्यूशन इसमें मैं हाइड कर दूंगी, मैं आपसे निकाल के आपको भेजूंगी। ठीक है, जाएं तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसको कल देखते हैं। ठीक है, चलें जी, कल मिलते हैं फिर। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।